नेपालगंज को परिचय संगे जोड़िन्छ यहाँ हुने गर्मी। गर्मी को शहर भनेर चिनिने नेपालगंज में यस्ता तलाउहरू हुनु वरदान जस्तै हो। यो तलाउ कहाँ छ यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। नेपालगंज को कारकांदो चोक, त्यो चोक को पश्चिम पट्टी सड़क डिविजन कार्यालय भएको जुन क्षेत्र छ त्यसको ठीक पछाड़ी यो तलाउ छ। यो तलाउ को कथा आफैमा रोचक छ। हाम्रो नाम संतरानी कुर्मी। ये ताल खोदावा का जब ये राधा कृष्ण मंदिर बनी है, ये मंदिर बनवाइन उन्हीं चौधराइन और ये तलवा खोदाइन। अरे बहुत हम लोग जलम नहीं लीन है, तब के पहले के बात हो। हमारे आमा बुआ बतुआत रहा है सुनीता है, तो यहाँ नहाए जनता यहाँ नहाए जल लें जाए मंदिर में लग चढ़ावें और कुआ बगिया बिहा कराइन भंडारा किन बहुत बड़ा। उसके बाद वही ख़त्म हुई गई, उनके संतान कोई नहीं रहा भैया, संतान नहीं रहा तो सब धीरे धीरे सार्वजनिक होगा। हमारा पुर्खाहरू पर्यावरण र वातावरण प्रति कति सचेत थिए भन्ने यो तलाउ स्थापना को कथाले बताउँछ। यो जमीन कुनै बेला सुक्खा थियो, खडेरी पर्यो। खडेरी परेका बेला त्यो जमिनदारको परिवारले आफ्नो जमिनमा पोखरी खनाउन लगायो। त्यो पोखरी खनिसकेपछि यो तलाउ बन्यो र सुक्खा परेको यो जमिन फेरि हरियालीमा परिणत भयो। धान में रोपाई यही से किया गया है, गेहूँ भी यही से सींचा जी। किसी पंप से? पंप मोटर लगाई के पंपी सेट से पानी ताना जाता है। और यहाँ दाह संस्कार करने दाह संस्कार यहाँ करा जाता है, शमशान घाट है उधर, एक करबला है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ के लोग दाह संस्कार? ये अपने गाँव भर ही, यही गाँव में, यही गाँव को। कति परिवार छन् होला यो गाँव में? यो गाँव में होला 1200-1500 आदमी। एउटा परिवारले आफ्नो निजी जमिनमा बनाएको यो पोखरी अहिले सार्वजनिक तलाउका रूपमा रहेको छ। यहाँका स्थानीयहरू भन्छन्, भैया यी जानो तलवा यी बुवा बप्पा है, जैसे बुवा बप्पा बच्चन के खर्चा देत हैं, त्यसै तलवा पूरे सिवानमा पानी जाते। यो तलाउबाट यस क्षेत्रको करिब 200 बिघा भन्दा बढी जमिन सिंचाई हुन्छ। यो तलाउको महत्त्व भविष्यमा अझ बढी महसुस हुनेछ।